नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुनाम की बठिंडा रोड पर बने मोदीखाने में मोटरसाइकिल सवार तीन नौजवानों ने हथियारों की नोक पर लूट को दिया अंजाम। नकदी व कर्मचारी का मोबाइल लूटकर हुए फरार। नवा शहर फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक कार टायर फटने से हुई हादसे का शिकार, एक युवक हुआ घायल। जालंधर के सिविल अस्पताल में पारिवारिक सदस्य की मौत के बाद रिश्तेदारों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला किया शांत। और अब हलचल विस्तार से। सुनाम के बठिंडा रोड पर बने सिविल अस्पताल के सामने मोदीखाने में काले रंग के स्प्लेंडर पर आए तीन नौजवानों ने तेज धार हथियारों की नोक पर दुकान का कैश लूट लिया। इस दौरान लुटेरे कर्मचारी का मोबाइल भी अपने साथ ले गए, तो वहीं यह सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि वे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सत्त पंजां दी गल है जी। उस तो पहला एक मुंडा आया, आके मैनूं कहिंदा सिर दर्द की दवाई लैनी है, सिर दर्द हो रहा है। मैं नॉर्मली उन्हें दवाई दी, उस तो बाद जो चला गया। उस तो बाद जाने तो बाद दो बंदे साथी पिछों आए ने, आके वह कहिंदा मेरे भाई का भी सिर दर्द हो रहा, वो भी दवाई दी है। उस तो बाद मैं क्या वो गलबात हुई है, उस तो बाद मैं उन्होंने कहा कि भी तेरे को दवाई हैगी है, तू उन्होंने दे। उस तो बाद उन्हें इन्ने च जो विचाले मुंडा खड़ा से उन्हें किरच कट ली, मेरे ते हमला किया। उस तो बाद गले नूं हत्थ गुलामे नूं हत्थ पा के उन्होंने मैनू सोफे ते घेर लिया। उस तो बाद सोफे ते घेरन तो बाद विच दो जणे ने मैनू घेर रखिया सी, ते जिहड़ा तीसरा बंदा सी जिन्हें मेरे तो दवाई लीती सी वह जाके गले दे विचों पैसे सी ते प्लस चैक सी वह उन्हें कढ ले लै गए। उस तो बाद च जिहड़ा मुंडा मैनू डरा रहा सीगा उन्हें सोफे ते वी वार किया। 8:15 फोन वसूल होया सीगा कि इत्थे गुरु नानक श्री गुरु नानक मोदीखाना दवाइयों की थोक की दुकान है, उत्थे एक लड़का काम कर रहा सी। उसनू घेर के उसते डरावा दे के उहदे जिहड़ा काउंटर चो कैश ते एक उहदा फोन है वीवो दा, उह लै के उहनू दुकान च बंद करके भज गए। उस तो बाद काफ़ी लेट हो गया सी, असीं उहदी सारी फुटेज वगैरह चैक कर ली है, सर्कूलेट कर दी है सब नू, तो पब्लिक के ग्रुप्स भी पाती है। तो यदा कैमरा असं चैक कर रहे हैं, जिस जिस रूट के कैमरे अवेलेबल है या चल रहे हैं सारे चैक किए जा रहे हैं। माड़े संगे अंसर चैक के उन्होंने पूछगिछ की जा रही है, तो जल्दी तो जल्दी इन ट्रेस किया जाए। पंजाब के नवा शहर फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक कार टायर फटने के कारण हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा गाँव कहमा बस स्टॉप के पास हुआ। इस दौरान नेशनल हाईवे पर तेज गति से चल रही कार का टायर फटने के कारण वह डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार हवा में उछलकर हाईवे पर गिरी और कई पलटियां खाई। तो वहीं इस हादसे में एक युवक घायल हो गया जो कि अमृतसर जा रहा था। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर मौके पर बुलाया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार युवक के सिर पर चोट आई है, उसके सिर पर खून बह रहा था लेकिन वह होश में था। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, गड्डी इधरों आ रही थी, नवा शहर तो फगवाड़ा जा रहे, इधर जा रहे थे, अमृतसर जा रहे, कितने जा रहे, वो गड्डी इतने आ के अचानक ही इन्हें जंगलों के नाल टकरा गई, तो उन्हें फिर दो बाजियां खा के ते गड्डी सीधी हो गई। बंदा पिछे रीजन की रेस लग रही थी, टायर का टैक्निकल रेस का जी मैं कह नहीं सकता है, बाकी जो है ना भी टायर फटन का ज़्यादा कारण।
ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਏ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਏਜ ਉਹਦੀ 23-24 ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਠਾਲਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਸੀ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਆ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਤੇ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ जालंधर के सिविल अस्पताल में पारिवारिक सदस्य की मौत होने के बाद रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान रिश्तेदारों की ओर से अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। उनका आरोप यह था कि कई दिनों से उनका पारिवारिक सदस्य सिविल अस्पताल में भर्ती था और उसका पैर दो जगहों से फ्रैक्चर था, जिसका ऑपरेशन होना था, जिसके लिए वह टाल मटोल कर रहे थे और अब उन्हें पता चला कि उनके पारिवारिक सदस्य की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और कहा कि जो बनती कार्रवाई है की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही है, पारिवारिक सदस्य अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों के तहत बनती कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल माहौल को शांत करवा दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिर उन्होंने मेरे दर्द ही टीका लाता, फिर घंटे बाद घबराहट हुई, टीका लाया, एक और टीका लाके उस बाद बंदा गया, बंदा डेड जाके ऊपर पिया पे बंदा जी जवान पे हले 35 साल की उम्र है भाई जी ने बच्चे हो गए यार बात तो बात भाई पहला भी कितने की मामला है सर अपना? ये सर सिविल अस्पताल के ना 21 जून ना मेरे कजन ब्रदर है परमजीत सिंह कैला इन्होंने एडमिट किया गया। इन्होंने सिर्फ एक लत्त के दो जगह फ्रैक्चर सी, लत्त ऑपरेशन होना सीगा ते कंटीन्यूअसली सानू रोज़ लारा लाते अं अज कर रहे ऑपरेशन दो दिन तक कर रहे हैं, कभी इन्हें आह प्रॉब्लम आ करते करते अज तो इन्होंने ऑपरेशन का वादा किया हूँ सडनली सू हम पता लगे कि पेशेंट है ही नहीं है। हूँ साड़ी यही है कि बंदे की लत्त का इलाज हो रहा है तो बंदे का किस तरह डैथ हो सकती है, बस सानू यही क्वेश्चन है, सानू हॉस्पिटल प्रशासन सानू इस चीज़ का जवाब दे प्रॉपरली। परमजीत जी की काम करते सी कितनी उम्र है इन्हां दी? सर उम्र होनी है सर 35-40 साल के बीच होगी। इन्हां दे सर टेंट का हाउस टेंट हाउस का काम है इन्हां दा, तो ये बेचारे कल्ले कल्ले अर्निंग हैंड सी घर दे विच, तीन इन्हां बेटियां आ, एक छोटा जिहा बेटा हाले 2 साल का आ, मतलब कि परिवार के होर कोई अर्निंग हैंड नहीं है। असीं इन्हां नूं आखदे भी सीगे कि साडे दा पेशेंट दा इलाज कर दिओ तां कि असीं इहदा घर जा सके, होर कोई अर्निंग हैंड है नहीं। बेचारा दा बहुत मुश्किल आ, मेरा खुद ताए दा लड़का आ। सर किन्ने दिन पहला सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜਾਮ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਣ। आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पंजाब में 3 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं। इस संबंधी टोल प्लाजा मानावाला जंडियाला गुरु में जब हमारी टीम ने अलग अलग वाहनों पर आने जाने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार का ये फैसला प्रशंसनीय है, पंजाब में नेशनल और बाकी रहते टोल प्लाजा भी बंद होने चाहिए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब में पिछली सरकारों ने लोगों के साथ लूट की थी, तो वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के गांवों और शहरों में विकास कार्यों का आगाज किया। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो के दिशा निर्देशों के तहत आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जत्थेदार छनाक सिंह जोहल की अगुवाई में जंडियाला गुरु क्षेत्र के अधीन पड़ते गांव वडाला जोहल में विकास कार्य जोरों शोरों के साथ करवाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप नेता सूबेदार छनाक सिंह जोहल और गांववासियों ने बताया कि नया गांव से वडाला जोहल वाली सड़क का कार्य पूरा हो चुका है और अब गांव वडाला जोहल में गलियां, नालियां और सड़क के साथ पड़ता नाला बन रहा है, जो कि बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और 5 वर्ष में गांव और शहर की नुहार को बदल कर रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के सभी विकास कार्य पार्टीबाजी से ऊपर उठकर किए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। हलका जंडियाला गुरु पिंड वडाला जौल, मैं दलबाग सिंह पंचायत मैंबर वडाला जौल, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी हरबंस सिंह जी ईडीओ हलका जंडियाला गुरु मंत्री साहब का, क्योंकि साढ़े नगर की बहुत ही समस्या है, क्योंकि जो नवा पिंड में जाता रोड आ, एक तो रोड बन रहा 18 फुट, तो एक साढ़े नाली की बहुत समस्या है, तो बहुत ही उच्चे पद्धर काम हो रहा वडाला जौल का, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने दिन तैयार हो रही ये? देखो जी दिन 10 हो गए चलते हैं, जो नाले का प्रोसीजन आ, ये कुछ हजे 10-15 दिन चलेगा। हाँ जी, पिंड वडाला जौल दे विच सड़क का प्रोसैस चल रहा, सड़क के प्रोसैस के नाल नाल नाले का प्रोसैस भी चल रहा, इस साइड से तो नाला बन रहा, दूसरी साइड से वो मिनती वगैरह कर रहे हैं, उधर भी नाला बनेगा, बाकी जोरों शोरों से पार्टी काम कर रही है। कलर्स चैनल पर शुरू होने जा रहे धारावाहिक जुनूनियत के कलाकारों की ओर से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान धारावाहिक के कलाकारों ने बताया कि इस धारावाहिक के तीनों किरदार संगीत से प्यार करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव बहुत अलग हैं। दर्शकों को यह किरदार प्रासंगिक लगेंगे क्योंकि वे प्यार के साथ साथ संगीत को जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि कलर्स के साथ उनका यह तीसरा प्रोजेक्ट है और इसके लिए वे दर्शकों से बड़े प्यार की उम्मीद रखते हैं। इस दौरान जहान की भूमिका निभाने वाले अंकित गुप्ता ने कहा कि कलर्स और ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट का संगम सफल रहा है और वह उनके साथ काम कर बहुत खुश हैं। दर्शक बिग बॉस 16 के कारण उन्हें अच्छे से जान सके हैं और अब वे संगीत पर आधारित इस नए फिक्शन शो के जरिए उनसे जुड़ते हुए उत्साहित हैं। तो वही जॉर्डन की भूमिका निभाने जा रहे गौतम विग ने कहा कि संगीत पर आधारित कहानी जुनूनियत में आना उनके लिए आसान था, वे अब भी उस प्यार को महसूस कर रहे हैं जो उन्हें बिग बॉस 16 के सफर में दर्शकों से मिला और वे इस नए शो में जॉर्डन के किरदार से दर्शकों को वही प्यार लौटाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस दौरान इलाही की भूमिका निभा रही नेहा राणा ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है वह कर पाना जो आप पसंद करते हैं। जुनूनियत में उनका किरदार इलाही जन्म से ही संगीत के मामले में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसे एक खालीपन लगता है जिसे उसकी माँ की मौजूदगी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे गौतम विग और अंकित गुप्ता के साथ काम करने के लिए भी काफी रोमांचित है। So it's like that. But ठीक है, always respectful. मेरा आदि family is in Polish. But Jordan ऐसा है, बेपाक बिंदास और उसका attitude ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी पुलिस ने पकड़ा है वैसे, कभी चलान कटने के लिए ऐसा कुछ? बहुत बार, बहुत रूल्स पड़े। अभी भी बहुत चलान पड़े, ओवर स्पीडिंग ये। जॉर्डन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे एक्चुअली बसों में पड़ता था, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ लेते थे पुलिस वाले तो ये डर होता था कि मुझे अपनी टेंशन ही गाड़ी की होती थी, क्योंकि पता था कि घर जाऊंगा तो बहुत गाड़ियाँ पड़ेगी, अपनी तो नहीं होती थी, पता था कोई बचाएगा नहीं, बट गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसलिए डर लगता था। लेकिन अब तो कॉलेज में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खो खो चैंपियनशिप फॉर वुमेन की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ विधायक वरिंदर गोयल के बेटे गौरव गोयल और एसडीएम सुबा सिंह ने किया। विधानसभा क्षेत्र के लहरागागा के यूनिवर्सिटी कॉलेज मूनक में यह चैंपियनशिप 15 से 18 फरवरी तक चलेगी, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आई 16 टीमें भाग ले रही हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जिहड़े अज तो स्टार्टिंग हुई है आल इंडिया खो खो चैंपियनशिप की, साढ़े लिए बहुत बड़ी माण की गल है कि छोटे जे कस्बे सानू एडा वड्डा इत्थे माण बख्शे है
ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਮੈਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੈਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਜ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਕਾਲਜ ਯਮੁਨਕ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਵਿਮੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16 ਟੀਮਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਾ ਗਿਆ ਥਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਦਿੜਬਾ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਲੌਟੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕੋਂ ਨੇ ਉਨਕਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੋਂ ਜੈਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਆ ਸਿੱਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਆ ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਸਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਉਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਟੋਟਲ 38 ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਧਿਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਾਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਨ ਚਾਵਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਘਾਬਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਜੋਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੱਗੂਵਾਲਾ
अमृतसर के सुखबीर अस्पताल की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर डॉक्टर हर्ष दीपक ने कहा कि उनके सुखबीर अस्पताल में कश्मीर कौर नामक एक महिला मरीज दाखिल हुई थी, जिसकी खाने वाली नली सिकुड़ने की बीमारी थी, जिस कारण मरीज भोजन नहीं निकल सकता था और उल्टी के कारण भोजन बाहर निकल आता था, जिस कारण उसका भार घटता जा रहा था और वह दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर हर्ष दीपक और उनके सहयोगियों ने उस महिला का पोइम तकनीक के साथ सफल इलाज किया। इससे पहले सर्जरी ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज था। उन्होंने कहा कि पोइम इस बीमारी का नया बिना कट के और बिना ऑपरेशन के एक सरल इलाज है, जो कि 8 वर्ष पहले खोजा गया था। इस इलाज के साथ मरीज दूसरे दिन से तरल पदार्थ, तीसरे दिन से सेमी सॉलिड फूड और 1 हफ्ते में अपने नॉर्मल भोजन पर आ जाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हम बोरे असि तलवंडी बगता तो आए हैं। सानू 2 साल की प्रॉब्लम सी। असि रोटी खाते सी, रोटी साड़ी अद्धी बाहर निकल जाती सी, अद्धी अंदर चली जाती सी, पानी के घुटाने का, एक रोटी एक जग पानी का। फिर असी परेट कराया सी, परेट कराया तो वह परेट ने सानू उस तरह ही सानू पहले बार आई इस तरह रोटी साड़ी आँदी रही, खिचड़ी खचड़ी जो कुछ अं खाते रहे, सानू आराम नहीं दिता उन्हें। अलसर सी मरीज के खून की उल्टियां बड़ी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਸਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵੈਸਕੋ ਕਲਿੱਪ। ਉਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਲਿੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਲਸਰ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਲਿੱਪ ਫਟੀ ਹੋਈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि उपसभा पंजाब केंद्रीय आर्य सभा शक्तिनगर की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं ऋषि बोधोत्सव पर शोभायात्रा लॉरेंस रोड से शुरू होकर आर्य समाज शक्तिनगर पर संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस डीएवी स्कूल की ओर से लॉरेंस रोड पर स्टॉल लगाकर बच्चों को सामान बांटा गया। इस दौरान पुलिस डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल विपन जिस्तू ने आए मेहमानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम सब कुरीतियों से बचेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर विपिन जिस्टू, मैं प्रिंसिपल हूँ पुलिस डीवी पब्लिक स्कूल अमृतसर में जी। आज हम स्वामी दयानंद जी का 200वां जन्म दिवस मना रहे हैं। सारे आर्य समाज, सारे डीवी संस्थान जो हैं अमृतसर के और पूरे पंजाब के, ये स्वामी दयानंद जी का 200वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि उपसभा के जो प्रधान हैं पंजाब के, डॉक्टर जेपी शूर, उनकी अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और हमारे जो प्रधान हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के डॉक्टर पूनम सूरी जी, आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी जी पद्मश्री अलंकृत, उन सब के आशीर्वाद से हमें ये आज ड्यूटी दिया गया है कि हम यहाँ पे नॉवल्टी चौक पे और क्रिस्टल चौक पे एक जो भी अभी शोभा यात्रा भी निकलेगी, थोड़ी देर में निकलने वाली है, उन सबको हम सम्मानित करेंगे जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए होंगे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया।
इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर आर्य समाज वेद मंदिर महर्षि दयानंद बाजार भार्गव नगर जालंधर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्मोत्सव व बोध उत्सव पर भव्य ऋषि मेला 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बड़े ही श्रद्धा भाव से करवाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन आचार्य महावीर मुमुक्षु जी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रधान कमल किशोर, संरक्षक पंडित मनोहर लाल, कार्यकारिणी प्रधान राजकुमार, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश चंद्र, मंत्री विशंबर कुमार, कोषाध्यक्ष सुदेश कुमार, संयुक्त मंत्री लाभ सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट।
मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म शताब्दी जो कि 2024 विच मनाई जा रही है, जिस दे आरंभ विच 12 फरवरी 2023 नूं दिल्ली तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जन्म शताब्दी का उद्घाटन समारोह किया है, जो कि सारे विश्व दे विच बड़ी शान शौकत नाल 200वीं जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उस कड़ी दे विच हर साल की तरह इस साल भी आर्या समाई वेद मंदिर भार्गव नगर विच स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस और ऋषि बोध उत्सव बड़ी शान शौकत नाल मनाया जा रहा है, जिस विच श्री राजेश प्रेमी जी अपने भजनों द्वारा और श्री आचार्य महावीर मुमुक्षु जी अपने वेद कथा के प्रवाह नाल संगत को प्रभावित कर रहे हैं। ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये 19 तरीक तक चलना है। 19 तरीक सवेरे 9 बजे अवंजा जी की कार्रवाई शुरू होएगी। जिसे पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सौरभ जैन और कंपनी के जनरल मैनेजर दिनेश चौधरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लॉन्च किया। इस मौके पर राजेंद्र बेरी ने स्कूटर पर बैठकर इस स्कूटर की खूबियों के बारे में कंपनी के मैनेजर के साथ बातचीत की और इस स्कूटर के फीचर को समझा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ही हीरो कंपनी को पसंद किया है और वह इसकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है। इस मौके पर उन्होंने सभी ग्राहकों को इस स्कूटर की एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर स्कूटर को खरीदने के बारे में भी कहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज हीरो वाले वालों जो नवा मॉडल स्कूटर का लै गया है, जो जिंदे विच बड़े बड़े फीचर दिते इन्होंने ब्लूटूथ एरा वगैरह दे, और अज की इस ओपनिंग उपर जिहड़े फीचर ने बहुत वधिया ने, और मैं अज के इस मौके के उपर सारे बहुत बहुत बधाई देना। हीरो का मतलब ही नंबर वन है, तो जे असी गल करिए चाहे इन्हों के मोटरसाइकिल की स्कूटर की इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के ही हीरो नंबर वन। मैं सौरभ जैन ज्योति हीरो जलंधर तो अच्छ साढ़े जिंदर बेरी जी पहुँचे ने। हीरो कंपनी का नवा स्कूटर लॉन्च होया जरूर, उसकी स्पैशल इनोग्रेशन लॉन्च प्रोग्राम असी एफ बी डी मॉल के रखा सगा, जिसे कंपनी वालों विशाल श्रीवास्तव जी डीलर डिवेलपमेंट वो आए हैं, नाल साढ़े रजिंदर बेरी जी जिन्होंने आज स्कूटर की साड़ी लॉन्च की है, और पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिले साढ़े स्कूटर का। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं दिनेश चौधरी ज्योति मोटर वर्कशॉप चौंक तो बोल रहा हाँ। अज असी तुहानूं दसना चाहवांगे कि ज्योति मोटर के अज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने एक नवा स्कूटर लॉन्च किया जी, तो ही असी तुहानूं दसना चाहवांगे कि तुसीं एक बारी साडे शोरूम च विजिट करो ज्योति मोटर वर्कशॉप चौंक च, तो इहदे च नवे स्कूटर नूं लै के काफ़ी कस्टमर साडे एक्साइटिड भी सी जिन्हां नूं इहदे बारे पता सी,
इस बारे मैं तुम्हें दसना चाहूँगा कि कंपनी ने स्कूटर लॉन्च करने का मकसद मेरे यहाँ कि मार्केट के स्कूटर की जी डिमांड जी डे बाय डे बढ़ रही है तो वो ही कंपनी ने यह सोच के लॉन्च किया वा कि अजक स्कूटर की कीमत वजिए बढ़ रही वा बाकी जिन्हें साढ़े कंपटीटर स्कूटर है सारे कीमत जी समान छू रही वा तो कंपनी ने स्कूटर मार्केट के जिने एक फीचर के नाल बना दिता वा वह हैगी कीमत 72,349 रुपये का जरा यदा एक्चुअल प्राइस आ पेपर पा के ही स्कूटर तुम 85,000 का मिलता है जो कि जो बाकी कंपटीशन स्कूटर है 95,000 तक टच कर रहे हैं। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन साईंदा स्कूल की ग्राउंड पटेल चौक जालंधर में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक साई 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। इसी संबंध में गुरु राजकिशोर शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस भागवत कथा में भाग लें। उन्होंने कहा कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की भूमि पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी की ओर से कथा की जा रही है, इसलिए सभी भक्तों को बढ़ चढ़ कर इस कथा में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सभी धर्म प्रेमियों को बड़े ही हर्ष एवं हर्षोल्लास के साथ बताते हुए मुझे परम खुशी हो रही है कि जालंधर की पावन पवित्र भूमि 52 शक्तिपीठों में से एक मां त्रिपुरमालिनी के दरबार के साथ श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। विश्व विख्यात जया किशोरी जी जो कथावाचक है, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, वह हमारे पंजाब नहीं बल्कि जालंधर में भी पहली बार आ रही हैं। साईं दास ग्राउंड में पटेल चौक के पास उनकी कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस संपूर्ण कथा का आयोजन परम सिद्धे आदरणीय श्री रमन अरोड़ा जी कर रहे हैं और उनका सहयोग समर्पण भाव से श्री राहुल बारी जी एवं महेश मकेया जी का पूर्ण सहयोग है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सुनाम की बठिंडा रोड पर बने मोदीखाने में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों ने हथियारों की नोक पर लूट को दिया अंजाम। नकदी व कर्मचारी का मोबाइल लूटकर हुए फरार। नवा शहर फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक कार टायर फटने से हुई हादसे का शिकार, एक युवक हुआ घायल। जालंधर के सिविल अस्पताल में पारिवारिक सदस्य की मौत के बाद रिश्तेदारों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला किया शांत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।